हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली रेशियो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, और इसे डिफाइन या डोनेट करते हैं स्मॉल ई के साथ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बना, E इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन। क्लियर। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज किसके लिए किया जाता है, यूज किया जाता है कि थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन को डिफाइन कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा ना ही कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है और ना ही कोई परफेक्टली इलास्टिक होता है। सो इन तीनों कोलिजन को हम कैसे डिफाइन करें, जो कि हमने कोलिजन के टॉपिक में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था कि हमने कोलिजन को तीन डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया होता, बेसिकली टू, वन इज द स्पेशल केस इलास्टिक कोलिजन इन विच मोमेंटा एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, इलास्टिक कोलिजन इन विच मोमेंटा इज कंजर्व काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व, स्पेशल केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन विच कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज occurred but during collision they get stick with each other and move with the same velocity called as a perfectly inelastic collision. ab in teenon collision ko kaise define kare, define karne ke liye kaun sa elastic hai kaun sa inelastic hai kaun sa perfectly inelastic kaise bataye, so teenon ko distinguish karne ke liye hum use karte hain coefficient of restitution. agar kisi coefficient of restitution ki value 1 aati hai, 1 aati hai means E is equals to 1, उसे हम बोलते हैं elastic collision. mathematically you explain करते हैं, value E is 1, उस वक्त क्या होगा, equation rearrange करोगे, U2 minus U1 is equals to V2 minus V1. clear, recall करो कौन सा derivation of elastic collision in one dimension, उसमें जब हम derivation करते हैं तो एक point पे equation हमें find होती है, वो यही होती है यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। क्या डिफाइन करता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। सो ये कौन सा केस बन गया, इक्वल टू वन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन अक्कर होता है जब स्मॉल ई वैल्यू जीरो हो जाती है। जीरो हो जाएगी उसको क्या होगा, ई जीरो हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगी, वी टू इक्वल टू वी वन हो जाएगा। मीन्स ये क्या हुआ, कोलिजन हुआ, बोथ दी बॉडी स्टिक टूगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज ए परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। क्लियर। Rather than any value of 0 and 1, कोई भी value इन दोनों के बीच में अब कोई आती है तो उसको हम बोलते हैं इनलास्टिक कोलिजन। क्लियर। सो ये तीनों वैल्यूज के साथ हम, तीनों क्लासिफिकेशन के साथ हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कोलिजन किस कैटेगरी में है, आइदर ये इलास्टिक कोलिजन है, इनलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इनलास्टिक। सो लास्ट डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज ए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड वन लाइक प्लीज। Thank you very much. Have a nice day.